तो अंडरग्राउंड में एक कैटेगरी होती है होलसेल, उसमें ओके मतलब आप हर कैटेगरी हर डांस कर सकते हो जो भी आपको चला। तो मैं वहां पर रिप्रेजेंट करता था सेलेक्ट हुआ, तो वहां पर लोगों ने मेरे से बहुत पूछा कि क्या स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है। तो फिर मैंने उनको तो सब कुछ बताया कि इलेक्ट्रो ऐसे है यहाँ पर है। तो फिर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, डांस क्रिएट होता है। तो उसने म्यूजिक चलाया, तो उन क्लब वालों बोला कि तो म्यूजिक कुछ डिफरेंट है, तो इसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो उन्हें फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, तो डिफरेंट लोग गए थे, उसने फिर क्रिएट सो करा ये था। म्यूजिक के साथ ही डांस डेवलप हुआ है, यस, जैसा कि हर हर जगह डांस होता म्यूजिक है। से क्रिएट हुआ है। या आई एम श्योर दैट वेज। म्यूजिक, उस म्यूजिक की वाइब सो ऐसी ये होती है। एडीएम बेस्ड डांस है, हाँ इलेक्ट्रो यस, डांस, राइट? इलेक्ट्रो। तो इसमें मतलब कोई सेंस बनती है, यू नो, इज देयर एनी रिदम दैट यू फॉलो, और इज देयर एनी सेंस टू इलेक्ट्रो डांस, यू नो, हाउ डू यू मेक मतलब सेंस ऑफ इट? इलेक्ट्रो मतलब अपना एग्रेसिवली गाना है, जितने हमारा गुस्सा है सब वो डालो, जो भी ओके फीलिंग है ओके अंदर भी फीलिंग है, क्योंकि बहुत फास्ट होता है। ओके तो लोग जाते थे पार्टी में, जाते ड्रिंक करते थे, कुछ करते थे, तो सब सो इट्स हार्ड अ स्टाइल से। हाई ओरिएंटेड डांस, मतलब हाई ओरिएंटेड फीलिंग दैट इज डेवलप्ड इन टू अ डांस। अच्छा, तो अभी इज देयर अ प्रेफरेंस यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल इन टू दिस थिंग, और हाउ डू इट डज इट वर्क? पहले होता था, पर आप के जनरेशन में नहीं होता। आपके सब लोग बस थोड़ा ड्रग्स लेते होंगे, पर अब नहीं करते। बाहर का नहीं पता, पर यहाँ पर तो लोग नॉर्मली डांस कर प्रॉपरली रहे हैं। डांस फॉर्म में डेवलप हो यस गया यस, है। क्योंकि लोगों को सिर्फ मैं टेक्निक सीखनी है, मैं डांस सीखना है। वहाँ के लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिएटर वहीं पर है सारे फ्रांस में। राइट ओके सो इस डांस का डू यू थिंक इट्स देयर अ प्रॉपर फ्यूचर टू दिस डांस? मतलब इलेक्ट्रो डांस में मतलब बिकॉज इट्स ए वेरी स्मॉल जॉनरा ऑफ पीपल हैं जो जस्ट आउट ऑफ पैशन, क्यूरियोसिटी और इन्वॉल्वमेंट को लेके इस डांस में घुसेंगे, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन यूज इन एज अ स्ट्रीट डांस एज वेल, क्योंकि सड़क पे नॉर्मल बंदा नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि कर वो तो सकता, अलग राइट? डांस है। ये कहीं से सेंस ही नहीं बनेगा। सो हाउ डू यू नो तो मैं लुक एट पहले इट, मैं भी पार्टीज में आता था, राइट? पार्टीज में डांस करता था, तो वहां पर ईडीएम म्यूजिक नहीं चलते थे, वहां हिप हॉप ये सब चलते थे, तो वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो पाया। तो अंडरग्राउंड में कैटेगरी होती है होलसेल, उसमें मतलब आप हर कैटेगरी हर डांस कर सकते हो जो भी आपको चला। तो मैं वहां पर रिप्रेजेंट करता था सेलेक्ट हुआ, तो वहां पर लोगों ने मेरे से बहुत पूछा कि क्या स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है। तो फिर मैंने उनको तो सब कुछ बताया कि इलेक्ट्रो ऐसे है यहाँ पर है। तो फिर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। फिर अब इसके कहीं ना कहीं इसके जैम होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रो के जैम होते हैं। इलेक्ट्रो पार्टी भी होती है, अब ईडीएम पार्टी होती है। अब तो कॉलेज में भी आपने सुना होगा ईडीएम पार्टी है, राइट राइट लोग राइट डांस ऑफ करते कोर्स हैं। ऑफ कोर्स हाँ, ऑफ कोर्स तो जाप से थोड़ा बहुत हो गया इंडिया बट में, फिर नीचे। समवेयर ईडीएम पार्टी इज ऑलवेज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड स्टफ लाइक दैट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस पर ईडीएम दिस पार्टी में, कॉलेज में तो सब लोग ड्रग्स वग्स ही करते हैं, पर हाँ ईडीएम डांस नहीं करते सो थे। इसको अगर पब्लिक मोड में लेना चाहोगे तो हाउ डू यू पुट दिस आउट पब्लिकली? कमर्शियल बनना पड़ेगा उसके लिए, पब्लिक इमेज बनाना पड़ेगा। कमर्शलाइजेशन वुड यू थिंक वुड बी पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ डांस, जहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है? डू यू थिंक एक्सेप्टेंस होगी फॉर पीपल अराउंड अस जिसमें इस तरह का थोड़ा प्रमोशन हो रहा अब इसका कुछ तो कहीं है? डिफिकल्ट होगा, बट या बहुत डिफिकल्ट दैट है, वुड बस मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट एक होगा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन समझाना हो जाएगी ये उनको, सबको समझाने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम हैंड से लोग समझाना, प्लस लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। राइट 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 बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत धीरे है हमारी तो इस टाइम पे, ठीक है? अभी तक किसी डांस